हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। दोस्तों, हम में से कोई नहीं जाना चाहता अस्पताल, मगर वही बात है कि हमारी मजबूरी कहिए या हमारी लापरवाही कहिए, जिसके कारण आज हमें कभी ना कभी किसी भी हाल में अस्पताल जाना पड़ता है, दवाई खाना पड़ता है। और एक अच्छी ज़िंदगी के तरफ हम जितना भी कोशिश करते हैं बढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो, सारी चीज़ें दोस्तों डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो हम इससे बचने के लिए छोटी छोटी उपाय कैसे करें जिसके कारण हमारी लाइफ थोड़ा सुधर जाए और हम दवाई से बच जाए। आज जो हमने टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, वो काफ़ी डिमांड, काफ़ी मांग आप लोग की थी, जिसके कारण हमने इसकी पूरी तैयारी की है कि आप नेचुरल तरीके से बिना दवाई के, होम रेमेडीज के साथ, एक्यूप्रेशर के साथ, क्लैपिंग थेरेपी का सहारा लेके कैसे पीसीओडी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। पीसीओडी का मतलब क्या है और इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में दोस्तों चलिए थोड़ा सा जानते हैं। जितना हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, जितना हम लोग आधुनिकता की तरफ दौड़ रहे हैं, उतना हमारी समस्याएं दोस्तों बढ़ते जा रही है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स या फिर पॉलीसिस्टिक जो आपका डिसऑर्डर रहता है, ओवरी डिसऑर्डर, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, इनका शरीर में अलग अलग जगह पे अनचाहे हेयर आ जाना, यानी बाल आ जाना, जैसे चेहरे में आ गया, कभी अंगूठे में आ गया, छाती में आ गया, जहाँ जहाँ अक्सर के फीमेल को नहीं आता है वो डेवलप होना शुरू होता है, यानी मेल हार्मोन का बढ़ोतरी हो जाना। ये जब होना शुरू होता है दोस्तों, फिर एक सामान्य नारी का जो जीवन है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। और इससे जो परेशानी, जो सामाजिक समस्याएं, जो उसका पर्सनल प्रॉब्लम, वो तो होता ही होता है, इसके साथ साथ कई सारा और भी समस्या फिजिकल लेवल पे भी उसको झेलना पड़ता है, इमोशनल लेवल पे भी झेलना पड़ता है, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी अफेक्टेड होता है। ये सारे चीज़ें उसका एक जीवन के ऊपर हावी होने लग जाता है, जिसके कारण सामान्य जो जीवन है वो दोस्तों डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स जब आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये समस्या हो रही है, जिससे कि हम शुरू से ही इसके ऊपर एक्शन ले सकें और ये समस्या को समाधान कर सकें। एक हो गया जब इरेगुलरिटी होती है आपका पीरियड में, जैसे हमारे इंडिया में 10-12 साल 13 साल के बीच में ही पीरियड्स बच्चों की स्टार्ट हो जाती है, तो वो अगर डिस्टर्ब हो रहा है, आ नहीं रहा है प्रॉपरली, 2-4 महीने में आ रहा है या टाइमली स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो यहाँ पे ही जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। उसी तरह का हेयर अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, जो एक फीमेल को अक्सर के होता नहीं है, वो अगर डेवलप होना शुरू होता है तो हमने तुरंत डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए और वहीं पे सारा चीज़ जांच पड़ताल करके देख लेना चाहिए क्या ये ओवेरियन सिस्ट इसमें डेवलप तो नहीं हो रही है। वो चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देनी चाहिए, डॉक्टर का जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो उसका आपको बताएंगे क्या क्या टेस्ट करनी है और तुरंत उसको कर लेनी चाहिए। तीसरा हो गया कि फेस में, चेस्ट में, अपर बैक में और आपका जैसे चीक में, ये सब में अगर हेयर ग्रोथ हो जाता है, वेट, एक्सेसिव वेट गेन होना दोस्तों स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, इंसान ज़्यादा उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, 10-12 साल, 15 साल, 18 साल के बीच में ये चीज़ें अगर घटित होती है तो मेरे ख्याल में तुरंत डॉक्टर परामर्श लेनी चाहिए। स्किन टैक्स जो होते हैं, ये अगर डेवलप हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा वो अवसाद, यानी अगर आदमी, इंसान जो है, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव रहने लगता है, छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जैसे 9th, 10th, 8th, 11th, 12th, इस तरीके के उम्र में अगर उनको हमेशा डिप्रेसिव महसूस होता है, घर में फादर मदर इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए और ये देखनी चाहिए कहीं ये चीज़ हमारी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से जुड़ा तो नहीं है। दोस्तों, अगर पता चल जाता है
जांच में कि ये चीज़ें है तो यहाँ पे ब्रेक लगाया जा सकता है। इसमें एक्यूप्रेशर भी दोस्तों हेल्प करेगा। इसमें मैंने देखा हूँ जो हमने क्लैपिंग थेरेपी डेवलप किए थे बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर, ये ज़बरदस्त दोस्तों काम करने लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला कारण को जाने और फिर निराकरण की तरफ चलिए और देखिएगा नेचुरल तरीके से आप इसका निराकरण कर सकते हो। पहली चीज, पहला है कि थायराइड ग्लैंड, जैसे मैं आपको बताया था पॉइंट नंबर 8, उसके साथ साथ 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक रिफ्लेक्शन एरिया का 1, 2, 3, 4, 5, उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 8, देन आफ्टर आपका पॉइंट नंबर 12, 13, 14, 16, 22 एंड 23 यानी आपका गल ब्लैडर एंड लीवर, उसके साथ साथ एड्रेनल ग्लैंड पॉइंट नंबर 28, आपका किडनी पॉइंट नंबर 26, यूरिनरी ब्लैडर पॉइंट नंबर 18, देन आफ्टर आप इसमें इस्तेमाल करिए जैसे कि पैनक्रियाज का पॉइंट को भी थोड़ा सा, 25 नंबर पॉइंट को भी एक्टिवेट किया जाए और 39 पॉइंट, ये सारे पॉइंट को एक साथ में मिला के स्टिमुलेट करनी चाहिए दिन में कम से कम 4 बार। बच्ची को खुद को भी सीख लेनी चाहिए और अगर थोड़ा ज़्यादा एज है तब भी आप अपने आप में इसको सीखें। इसका जो जानकारी है मेरे बुक में अवेलेबल है, माई हेल्थ इन माई हैंड, जो उसकी अंग्रेजी किताब है वो छोटी वाली किताब है, इसमें भी आपको अमेजन से अवेलेबल हो जाएगी। इसमें सारे फ़ोटो के साथ डिटेल्स है, जिसमें जो पॉइंट आपको नाम गिन गया वो सारा इसमें आपको मिल जाएगा। या फिर जो बड़ी वाली किताब है जिसमें आयुर्वेदिक होम रेमेडीज और एक्यूप्रेशर दोनों मिला के रखा हूँ, अंग्रेजी हो या फिर आपको हिंदी वाली ये वाली किताब, ये आप मंगवा के उसमें पॉइंट टू पॉइंट, मेरे बात को पूरा समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट चलिएगा कि जो जो पॉइंट मैंने बता रहा हूँ अभी मैं एक बार रिपीट भी करूँगा, ये सारे पॉइंट को दिन में कम से कम 4 टाइम्स आपको रिपीट करके देनी है। उसके साथ साथ आपको क्या करनी है दोस्तों कि क्लैपिंग थेरेपी यानी 10 मिनट आपको सुबह 10 मिनट शाम आपको ताली बजानी है, यानी 4 तरह का आपको मैं बताऊँगा, वो चारों को रिपीटेडली आपको करनी है, जिससे आपका जो रिफ्लेक्शन एरिया है यानी एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है वो ऑटो स्टिमुलेशन होता रहे, जिसके कारण आपका हार्मोन बैलेंस्ड हो, और बैलेंस्ड हार्मोन अगर हो जाता है तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पानी आप साफ सुथरा पानी सफिशेंट लें, खुला जगह पे सुबह शाम सैर करें, एक्सरसाइज दोस्तों कंपलसरी है किसी भी फॉर्म में हो, चाहे योगा आप करिए, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करिए, चाहे आप जिम में जाके एक्सरसाइज करिए, अपने वेट को किसी भी तरीके से आपको कम करनी है कि अगर आपका जितना वेट होना चाहिए उससे जितना ज़्यादा है उसको नॉर्मल स्थिति में आपको लाना है, तो वेट आपको कम करनी है, पानी आपको सफिशेंट लेनी है, सैर करनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, जो मैं प्राणायाम वगैरह बताता हूँ, डीप ब्रीदिंग कहता हूँ, इसको आप रिपीटेडली करिएगा, सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम में आप अपना एक्यूप्रेशर का पॉइंट खुद दबाइएगा, एंड सुबह शाम आप क्लैपिंग थेरेपी का प्रैक्टिस करिएगा, जो मैं लास्ट में भी आपको दिखाऊंगा। रेफरेंस के लिए किताब को फॉलो करिएगा, एक्यूप्रेशर जो लोग सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, मेरे पास आ नहीं पाते हो, ट्रेनिंग में नहीं आ पाते हो, ये बात को नहीं समझ पाते हो, उनके लिए DVD 9 घंटे का DVD इसके अंदर तैयार रखा हूँ, तो इसको आप ले के मंगवा के, सारा कुछ अमेजन में अवेलेबल है, हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे अमेजन से बुक करिएगा, वहाँ से आपके घर वो पहुँचा देंगे, पूरी उन्हीं के हाथ में ही सारी किताब भी है और DVDs भी है, तो दोस्तों उसका लाभ उठाइएगा, ये बात तो मैं आपको बार बार बताऊँगा। इसके साथ साथ आप जो भी करिए रेगुलर करिए और सिस्टमेटिक करिए, बंद नहीं करना है, बीच में आपको कोई चीज़ें बंद नहीं करना है। खान पीन पे पूरा ध्यान दीजिएगा, जंक फूड 0, ऑयल भी कोशिश करिए 0, 0, 0, 0, यानी शुगर हो गया, ऑयल हो गया, नमक हो गया, ये सब चीज़ों को आप 0 कर दीजिएगा, जंक फूड की तरफ तो देखना भी नहीं। और ख़ास करके ऐसे जो लोग हैं जिनके अंदर मेल हार्मोन्स की ज़्यादा मात्राएं होती हैं, वो
एक जिंदगी अलग तरीके का जिंदगी जीने को कोशिश करते हैं उसको आपको संतुलित करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज अपने आप को मत करिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को एडवांस करने की कोशिश ना करें, एक बैलेंस सिचुएशन में अपने आप को रखें। इसमें फादर मदर की बहुत जिम्मेदारी है दोस्तों, आई एम रिपीटिंग इट, कि इसमें माँ बाप की बहुत योगदान चाहिए, बहुत पेशेंसफुली आपको बच्चों को हैंडल करना पड़ेगा। अगर जिनकी समस्या है उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, कई बार तो मिड एज की महिलाएं भी मुझे फ़ोन करके बताती हैं कि हमें पीसीओडी की समस्या है, इससे सर कैसे निजात मिलेगी। दोस्तों इस बात को मैं क्लैपिंग थेरेपी आपको मेन बताता हूँ, जिससे लाभ आपको तत्काल मिलेगी और आप देखोगे इससे आपको निजात भी मिल जाएगी, समस्या आपकी सॉल्व होगी। जैसे फर्ज करो, एक तो जितने मैंने पॉइंट सारा आपको बताया हूँ वो सारा इधर भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है। जैसे 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर सारा यहाँ पे अवेलेबल रहता है, इस जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जैसे क्लैपिंग चार तरीके का आपको क्लैपिंग करना है, 10 मिनट घड़ी देख के दोस्तों क्लैपिंग करनी है, 10 मिनट घड़ी देख के ही करनी है। जैसे ये हो गया एक ऐसा, मैं खड़ा होकर आपको दिखा देता हूँ, ये वाली एक, ठीक है, दूसरा ये, तेज तेज आपको क्लैप करनी है, ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला और लास्ट में ये सबसे इम्पोर्टेंट। इससे आपका जो गायनिक समस्या है वो ठीक हो जाएगा, आपका हार्मोन जो है वो संतुलित हो जाएगा, और ख़ास करके ये वाले में तो आपका थायराइड ग्लैंड बढ़िया से एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट होगा। थायराइड ग्लैंड अगर आपका बढ़िया हो जाएगा ना दोस्तों, तो आपकी 90% समस्या ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक नंबर से लेके 5 नंबर तक पॉइंट आपको दबानी है डेली, और आपका थायराइड पॉइंट 8 नंबर दबानी है, उसके साथ साथ आपको 14 और फिर 16 इसको आपको स्टिमुलेट करनी है, उसके साथ साथ 22-23 यानी लीवर और गल ब्लैडर करनी है, किडनी 26 करनी है, यूरिनरी ब्लैडर 18 करनी है, एड्रेनल ग्लैंड आपका 28 करनी है, और उसके साथ साथ आपको पॉइंट नंबर 39 भी दबानी है, पॉइंट नंबर 38 भी आप भी दबा सकते हैं इसके साथ साथ मिला के। और ये वाली क्लैपिंग थेरेपी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्से को आपको क्लैप करनी है सुबह शाम। इससे आपका गायनिक समस्या ठीक होगा, आपका पीरियड वगैरह का जो समस्या है वो धीरे धीरे दोस्तों ठीक हो जाएगा। टाइमली खाना खाइएगा, एकदम चाहे लो ये में इसमें डाइट का जो है उसमें आप एकदम टाइम स्पेसिफिक रखिएगा कि मुझे 2 चपाती अगर सुबह खानी है, 2 चपाती दोपहर खानी है, 1 चपाती रात खानी है, थोड़ा सा दाल खानी है, थोड़ा सा दूध लेना है, फ्रूट्स लेना है, इस तरीके का एक साइन एंड पूरा एक सिस्टम बना लीजिएगा। और सफिशेंट जिसमें खान पीन में ये ध्यान रखिएगा कि विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ग्रीन टी हो गया, एलोवेरा हो गया, आंवला का जूस हो गया, एप्पल हो गया, तुलसी का चाय हो गया, ये सब चीज़ें आप आदत करिएगा। नॉर्मल चाय कॉफ़ी ये सबको दोस्तों छोड़ दीजिएगा। उसके साथ साथ जैसे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में ना जाएं। कोई भी समस्या है उसको नॉर्मली पेश आएँ, बहुत ज़्यादा हाइपर मत होइए, एग्रेशन को नॉर्मल आपको करना पड़ेगा, इसके लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट पार्ट। मेडिटेशन के लिए जैसे मैंने बताया था, इससे आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगी और आपको मेडिटेटिव कंडीशन में जा पाओगे। ये वाला जो मैंने आपको बताया हूँ, इस वाले मुद्रा से आप अपना मेडिटेशन करो। डीप ब्रीदिंग जैसे बताया था, ये सांस लेना है मुट्ठी बंद करते हुए, 2 सेकंड रोकनी है, फिर सांस बाहर निकालनी है, ऐसे 100 टाइम्स सुबह 100 टाइम्स शाम का आदत करिए, डेडिकेटेडली करना पड़ेगा। ना करने से हमें वो रिजल्ट दोस्तों नहीं मिलेगी, इसलिए सिस्टमेटिक आप चलिए। सिस्टम आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज देगा जिससे आप पीसीओडी समस्या से बाहर निकल आओगे और आपका जो मानसिक तनाव है, शारीरिक टेंशन है, और आप उसके साथ साथ आप जो पेन झेल रहे हो, जो आपके अंदर एक्स्ट्रा जैसे हेयर ग्रोथ हो गया या आपको एक्स्ट्रा एक्जर्शंस हो रही है, आप जो हाइपर सेंसिटिव हो रहे हो, ये सारी चीज़ें आपका धीरे धीरे दोस्तों कम हो जाएगी। लास्ट लाइन जो मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, हमेशा
सबसे अच्छा इलाज होता है कि हम अपने आप को बदलें, क्योंकि जब बदल दोगे अपने आप को तो देखोगे आपके लिए एक शांत वातावरण, एक अच्छा जीवन इंतजार कर रहा है। समस्या है तो उसका समाधान भी दोस्तों है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप जो मेरी बातों को समझते हो, सुनते हो, बार बार देखते हो, वो अमल भी अपने जीवन में जरूर करिए। अगर आपको यूरिन का इन्फेक्शन हमेशा रहता है, कई इसमें मैं देखा हूँ यूरिन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है, तो उसका वीडियो अभी भी मैं 2-3 दिन पहले ही डाला हूँ, उसको फॉलो करिएगा। मेरा यूरिन का सारा वीडियो देखिए, यूरिन इन्फेक्शन का वीडियो देखिए। और जैसे मैंने फिटकरी का पानी पीने के लिए कहा हूँ, हल्दी का कैसे प्रयोग बताया हूँ, वो सब चीज़ भी आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप समाज के लिए कुछ करने के लिए भी चेष्टा करें, अपने अंदर वो चीज़ें भी जज्बा लाएं जिससे आपका जो तनाव है वो दोस्तों कम होगा। मेडिटेशन करना भी जरूरी है, योगा भी करना जरूरी है, मॉर्निंग वॉक भी करना जरूरी है, सोशल वर्क भी थोड़ा करना जरूरी है, उसके साथ साथ अपना जो एजुकेशन है, जो प्रोफेशनल काम है, उस सब पे भी दोस्तों ध्यान देनी है। और कोई ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, जैसे हेयर वगैरह जो डेवलप होता है उसको टेम्प्रेरी तो जो प्रॉब्लम है उसको तो जैसे लेजर आजकल हो जाती है डॉक्टरों के साथ बात करके, वो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम को इंसान तो सॉल्व कर लेता है, मगर परमानेंटली इससे निकलने के लिए जो एक सिस्टम मैंने आपको बताया और जिसमें खास करके मैं तवज्जो दे रहा हूँ आपका क्लैपिंग थेरेपी को, आप इसको जरूर करें। और एक्यूप्रेशर टाइम टू टाइम करें, सुबह दोपहर शाम और रात, ये 4 टाइम अगर आप करते रहोगे। और खाना खाने के बाद प्लीज़ मत करना, खाना खाने के पहले ही एक्यूप्रेशर का पॉइंट वगैरह करना, क्लैपिंग थेरेपी भी खाली पेट में करना सुबह शाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी जो बताया हूँ डीप ब्रीदिंग वो भी सुबह शाम, ऐसे करके अपने लिए 3-4 महीना टाइम लगातार दो। देने के बाद आप देखोगे एक न्यूट्रल पोजिशन में आप पहुँचते हो और उसके बाद उस सिस्टम को आगे आप फिर बढ़ाते जाइए और बिलीव करो आपकी समस्या इससे ठीक होगी, ये समस्या की समाधान हो जाएगी। और इस पेशेंसफुली बस आपको सिस्टोमेटिक करते रहना है। दोस्तों इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और इसी का अगर पार्ट टू जरूरत होगा फिर हम दोबारा इसका डाइट प्लान के बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा, आयुर्वेदिक होम रेमेडीज भी आपको शेयर करूँगा। और जैसे मैंने आपको हिंदी किताब दिखाई, इसमें मैंने सारी बातें डाल रखा हूँ, एक किताब जरूर आप लोग मंगवाइए और उसको देखिए, जानिए, समझिए और करिए। इसके साथ साथ हम लोग नवंबर महीने में फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे, और जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं प्रोग्राम को वो DVDs को जरूर लें और इसको मंगवाएं अमेजन से, ये पूरा 9 आवर्स का है। सीखो, बार बार सीखो, और जो लोग कैरियर बनाना चाहते हो उनके लिए तो बेस्ट तरीका है, जो नहीं आ पाते हो बाहर हो, पूरा मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ वो ट्रेनिंग इसके अंदर पूरी रिकॉर्डेड है, तो आप इसको देखें और किताब को रेफरेंस के लिए यूज करें। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी जानकारी, आप इसका जितना लाभ उठाओगे मुझे उतनी खुशी होगी। इसके साथ साथ कुछ अच्छा काम जरूर करें, एक पौधा अपने जीवन में जरूर लगाएं जिससे आपके मन में भी शांति रहेगी और आपको अच्छी सेहत भी मिलेगी। ये दुआओं के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं पर रखता हूँ दोस्तों, आपका डॉक्टर दोस्त आपका यहीं पर रुकता है। और इसके साथ साथ देश के लिए आप जरूर कुछ करें, कुछ सोचें और इस मिट्टी का कर्ज अदा जरूर करें। और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।